जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। इल्म वो शम्मा है जिसको पाने की ख्वाहिश हर परवाने को होती है, पर गुर्बत की इस अंधेर नगरी में सबको ये रोशनी नसीब नहीं होती। ऐसे ही तमाम बच्चों की जिंदगियों को जुगनू की मानिंद पिछले 30 साल से रोशन कर रहे हैं मास्टर मोहम्मद अय्यूब। एक बच्चा ऐसा जिसकी एक बाजू भी नहीं थी, एक टांग भी नहीं थी, कटे हुए थे दोनों, और वो कुछ चीजें फरोख्त करता था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया जी ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। बस वहां से इरादा किया कि मैं इन बच्चों को आगे लेके चलूंगा और पढ़ाऊंगा। 7 बजे मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ, वहां से 3 बजे ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा मैं अपने बीवी बच्चों को देता हूँ, एक हिस्सा मैं अपनी जात पर खर्च करता हूँ और एक हिस्सा इन बच्चों पर खर्च करता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के अंदर सर्विस कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम में से वो लोग अच्छे हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। आओ मेरे साथ मिलो और हम बच्चों को उनको पढ़ाएं। जब सब मिलकर हम पढ़ाएंगे तो मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। मास्टर अय्यूब की सोच के इस पाक से बनने वाली रोशनी अब घर घर उजाला कर रही है। तभी तो मास्टर अय्यूब है हमारे पाकिस्तान का मान।